नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा, संजीवनी होम्योपैथी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। छोटे वीडियो की सीरीज में एक और बढ़िया वीडियो आपके लेकर आ रहे हैं और ये इतना बढ़िया है कि आपको बहुत रिलीफ मिलने वाला है। छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखिएगा, 1.5 से 2 मिनट का वीडियो है। वीडियो जिस टॉपिक पे बना है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पेशेंट्स जनरली इसी तरह की कंप्लेंट्स ज्यादातर केसेस में हमें करते हैं। हम लोगों ने उन्हीं टॉपिक्स को लेकर ये वीडियो बनाया है जो बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं जिसके लिए आपको घर में ही इलाज मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। सीने में भारीपन लगता है, गैस बनती है, थोड़ी डकारें आती हैं, सीने में इतना भारीपन रहता है कि लगता है जैसे सांस फूल रही हो, दम घुट जाएगा और घबराहट बेचैनी लगती है। ध्यान दीजिए, सीने में भारीपन, घबराहट, बेचैनी, गैस बनने की वजह से और सांस फूलता है, इस तरह की तकलीफ आपको लगती है। लेकिन तकलीफ होती है इनडाइजेशन या गैस बनने की वजह से। कारण एक ही है, गैस बनने की वजह से डायफ्राम जो होता है उसको कंप्रेशन मिलता है, गैस ऊपर की तरफ कंप्रेस करती है, प्रेशर देती है और आपको तकलीफ होने लग जाती है। एक खुराक इस दवाई को लेना है, यदि इससे आराम लग जाता है तो ये समझ लीजिए गैस की तकलीफ है, अदरवाइज आपको अपने डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। दवाई का नाम है कार्बोवेज 200। कार्बोवेज 200 की एक खुराक, एक मात्रा, 2 बूंद डायरेक्टली जीभ में डाल लीजिए या 4 गोलियां जीभ में डाल लीजिए। थोड़ी देर में आपको रिलैक्सेशन फील होगा, आपको फैनिंग से बड़ा आराम मिलेगा, फैन की हवा से बड़ा अच्छा लगेगा, बस काम खत्म हो गया, आपको बेटर लगेगा। लगातार लेने की जरूरत नहीं है, ये छोटा सा नुस्खा था, आप इसको बिल्कुल शेयर कीजिए, यूज कीजिए। आशा है वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें और जाते जाते सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, आप हो सकता है आप नए हो और मिस ना करें तो बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।